मुंबई में आज महाविकास आघाड़ी की तरफ से मुंबई के नाले की सफाई और रस्ते पर खड्डे को लेकर धरना आंदोलन किया गया। साथ ही महाविकास आघाड़ी का शक्ति प्रदर्शन भी किया गया। धरना प्रदर्शन में शिवसेना यूबीटी के उपनेता विनोद घोषलकर और कांग्रेस पार्टी नेता भूषण पाटिल, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, आम आदमी पार्टी आदि के कार्यकर्ता बड़ी संख्या में शामिल हुए। शिवसेना के पूर्व विधायक विनोद घोषलकर के नेतृत्व में ये शक्ति प्रदर्शन लगभग 4 किलोमीटर तक चलकर निकली गई। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज UNI। सर क्या कहेंगे मुंबई में आज आप लोग का खड्डे को लेकर आंदोलन कर रहा है? देखिए आज सारे वृत्त पत्र में मुंबई महापालिका आयुक्त ने ये माना है कि हमारे मुंबई के गटारे रस्ते और ये काम पूरा नहीं हुआ, ये भ्रष्टाचार है और मुंबई और हमारा देश पानी में जाने वाला है, उसका निषेध करने के लिए हम महापालिका वार्ड पे मोर्चा लेके जा रहे हैं। शिंदे सरकार आए थे, बराबर बात है, लेकिन अंदर नाला काम अर्धवट है, ये आयुक्त ने मान्य किया है। खाली वो द्विदेश्वर ब्रिज पे आए, नदी देखा और निकल गए, बाकी अंदर के गटारे सब कुछ है, सब बाकी है और दलसर में पानी तुमने वाला है। इसलिए हम लोग ये बात प्रशासन के ध्यान में लाने के लिए, और ये भ्रष्टाचार है, मैं तो पहली मांग करूंगा महापालिका आयुक्त ने राजीनामा देना चाहिए। ये 100 साल के इतिहास में कोई भी आयुक्त ने ऐसा नहीं कहा है कि हमारा काम अधूरा है। 20-30 में की डेडलाइन है, डेडलाइन में काम पूरा होना चाहिए, वो हुआ नहीं है, ये आयुक्त का फेल्योर है, आयुक्त ने राजीनामा देना चाहिए। अरे वो चहल है ना, वो मोदी भक्त था, उनकी भी इंक्वायरी होना चाहिए। संगरा G20 में उसने झाड़ पर ये लगाया था, लाइट लगाया था, सब झोपड़ी के ऊपर कपड़ा लगाया था, इतना बहुत कुंडी रखा था, तो मैं चहल साहब की भी इसके बारे में इंक्वायरी होना चाहिए, ये भी मांग कर रहा हूँ। देखिए वो मेन रोड पे आते हैं, देख के चले जाते हैं, जहाँ अंदर की तरफ जाइए, प्लास्टिक का साम्राज्य है, सब जगह कूड़ा भरा हुआ है, कहाँ नाले सफाई हुई है? तो अभी 30 मई की डेडलाइन है, कितने दिन बचे? 1 जून को हम वापस इसकी जांच करेंगे। और रास्ते की हालत देखो, अभी आपने आते देखा, देखा दहिसर स्टेशन के बाद देखो रास्ता पूरा खुला पड़ा है, कब करेंगे रास्ता? बिल्कुल डूबेगी, इस तरह काम हुआ है? काम हुआ ही नहीं है, मुंबई पहले बारिश में मुंबई डूबने वाली है।